evening, students. Today we will discuss about the topic electric potential. In the last class we have just started chapter 2, उसी में सीक्वेंस में कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे. लास्ट क्लास में था पोटेंशियल एनर्जी, आज है पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल वी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा समझते हैं. लेट दिस इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू. इससे आर डिस्टेंस पे यहां पे कितना पोटेंशियल होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग a positive test charge, in bringing a positive test charge from infinity to given point, from infinity to given point slowly. ये हमने potential energy की definition पढ़ी थी इस last topic में. बिल्कुल वही definition है, बस लास्ट में ऐड कर देंगे पर यूनिट टेस्ट चार्ज. पर यूनिट टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी in bringing a positive test charge from infinity to given point slowly per unit test charge. यानी इसको infinity से यहां लाने में कितना work done करना पड़ेगा, वो work done divided by this test charge. इसी test charge जिसको हम लेके आ रहे हैं उसी से divide कर देंगे. सिर्फ work done calculate कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने तो पोटेंशियल बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम वोल्टेज भी कैसे बोलते हैं आगे पढ़ेंगे. इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला, दैट इज एफ एक्सटर्नल डी एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. नाउ द पॉइंट इज वर्क डन का ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब फोर्स कांस्टेंट है. वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. लेट अस चेक वेदर इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल. चेक करेंगे, एज वी नो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स. क्योंकि स्लोली मूव करना है तो जितना ये उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा रिपेल करेगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम लगा के चलेंगे. दैट इज मान लेते हैं टेस्ट चार्ज बीच में कहीं भी यहां पे है, कितना दूर है लेट एक्स. यहां पे ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है इधर, इतना ही एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, वहां से यहां पे लेके आना है इसको. दिस इज नाउ ये उसको रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगा के, उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा के यहां लेके आना पड़ेगा. मतलब पॉइंट इज ये उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगाएगा. कूलम्स लॉ इज
q1 q2 by distance between them x का स्क्वायर. वी नो वेल जैसे जैसे इसे पास आएगा x कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इसका रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें भी एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि स्लोली मूव करता रहे. दैट इज डेराइव करने के लिए इक्वल लेके चलते हैं. वी नो वेल प्रैक्टिकली एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से स्लाइटली ग्रेटर होगा, नेग्लिजिबली ग्रेटर होगा, बट डेरिवेशन में डेफिनेशन में इक्वल लेके चलते हैं. कंक्लूजन इज एक्स डिक्रीज हो रहा है पास आ रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा. मीन्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ये मेन स्टेप थे. वैल्यू पुट कर देते हैं. इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स पोटेंशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इनटू माइनस डीएक्स लेके चलेंगे. ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमेशा कभी भी कम हो रहा है डिस्टेंस तो माइनस डीएक्स, बढ़ रहा होगा तो प्लस लेके चलेंगे. हर जगह डिक्रीज हो रहा है माइनस डीएक्स, इंक्रीज हो रहा है प्लस डीएक्स. इनटू कॉस ऑफ थीटा इज एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, एंगल बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, थीटा जीरो कॉस जीरो वन, एंड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट भी है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कैंसल्ड, इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफिनिटी टू गिवन पॉइंट यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, लिमिट्स आर इनफिनिटी टू आर, इक्वल्स टू माइनस के क्यू इंटू एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन हमें याद होना चाहिए. एक पावर ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन में, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, फाइनल जो पावर आएगी वो एक्स की पावर में भी रहेगा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, लिमिट्स इनफिनिटी टू आर. ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू इंटू ये माइनस बाहर आ गया, ये वन बाय एक्स हो जाएगा, लिमिट्स इनफिनिटी टू आर, के क्यू इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज वन बाय आर माइनस इनिशियल इज वन बाय इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी बिकम्स इंफिनिटी, कहीं भी आ गया डिनोमिनेटर में तो जीरो हो जाएगा, दिस टर्म बिकम्स जीरो. सो आंसर इज के क्यू बाय आर इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन था डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम डायग्राम है, स्टेप्स बिल्कुल सेम है, डिफरेंस आ गया पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट एक्स्ट्रा आ गया, क्यू नॉट कट गया, आंसर बचा के क्यू बाय आर. व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, वर्क डन इज जूल बाय चार्ज इज कूलम, जूल पर कूलम इज नोन एज वन वोल्ट, सिंबल इज कैपिटल वी, साइंटिस्ट के नाम पे है, कैपिटल वी इज द सिंबल. शुड रिमेंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी कैपिटल वी, स्टैंडर्ड सिंबल है वी ही रखेंगे, एंड इसकी यूनिट का सिंबल भी कैपिटल वी है वोल्ट. ध्यान रखिए पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर जनरली पॉजिटिव होते हैं बट इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. नेक्स्ट पॉइंट,
to calculate potential V charges are taken with sign. ये पॉइंट मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, चैप्टर वन से पढ़ते आ रहे हैं चार्ज को कहां मैग्नीट्यूड लेना, कहां साइन के साथ कंसीडर करना। कूलम्स लॉ में, इलेक्ट्रिक फोर्स में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, साइन नहीं लेते, बट पोटेंशियल एनर्जी में एंड पोटेंशियल में चार्ज मस्ट बी टेकन विद साइन, साइन कंसीडर नहीं किया तो गलत हो जाएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हमें साथ में फॉर्मूले में कंसीडर करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स भी मैं डिस्कस करूंगा, समझ में आ जाएगा, बट कंसीडर करना है। दैट इज, एक एग्जांपल करते हैं। देयर आर थ्री इक्वल चार्जेस प्लस क्यू ईच प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंट्रोइड। एट सेंट्रोइड पोटेंशियल कितना होगा ये हमें निकालना है। इस चार्ज से कितना दूर होगा, लेट आर मान लेते हैं, इसका यह पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्मूला इज के क्यू बाय आर। सो इसका यह पोटेंशियल के क्यू बाय आर, इसका यहां पोटेंशियल के क्यू बाय आर। नेक्स्ट, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे? रॉन्ग क्वेश्चन, डायरेक्शन होती ही नहीं है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, सो डायरेक्टली ऐड होंगे। इसका यहां पोटेंशियल के क्यू बाय आर, आंसर विल बिकम 3 के क्यू बाय आर, बट आर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम वर्टेक्स, ये हमें ट्राइंगल की ज्योमेट्री है याद होनी चाहिए। साइड डिवाइडेड बाय रूट 3, कैसे आया ये भी पता होना चाहिए। सो इट बिकम्स 3 के क्यू बाय आर की वैल्यू ए बाय रूट 3, रूट 3 ऊपर आ जाएगा, आंसर इज 3 रूट 3 के क्यू बाय ए इज द पोटेंशियल एट द सेंट्रोइड। ऐसे कोई भी शेप हो हमें फॉर्मूला अप्लाई करके पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका लास्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, आज पोटेंशियल हमने पूछ लिया। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द पॉइंट चार्ज के डेफिनेशन डायग्राम एंड डेरिवेशन एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। दैट इज अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और भी टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।